वेलकम टू द फिजिक्स लवर ऑन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉर्क से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। टॉर्क जो कि हमारे पास कपल फोर्स कहलाता है ना। इस वीडियो में हम वर्क भी देखेंगे, टॉर्क के कारण क्या वर्क आता है, और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी देख रहे होंगे। यानी कि हम कपल फोर्स निकालना चाहते हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डायपोल, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पर बल युग्म में निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनानी होगी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो इधर साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास राइट साइड लग रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सब जगह हमारे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल सिस्टम रखते हैं। डाइपोल सिस्टम जो होता है वो बच्चों आपको पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर के बनता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पे एक क्या रख दिया, माइनस क्यू रख दिया। और इन अब आप लोगों को ये पता है कि जो डाइपोल होती है, डाइपोल लेंथ होती है दोनों के बीच में वो कितनी होती है बच्चों, 2L होती है। तो इनके बीच में भी दूरी कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पास भी कितनी होगी, 2L होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और दोनों चार्जों यानी डाइपोल सिस्टम को रख दिया। डाइपोल सिस्टम जो होता है हमारे पास वो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंटिंग टू वर्ड्स हमने सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र माना जो कि हमारे पास राइट साइड है ना, जो कि किधर साइड जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है वो किधर साइड है, हमारे पास राइट साइड है। इस साइड को हमने राइट बोला, तो जो विद्युत क्षेत्र है हमारे पास वो किधर साइड है बच्चों, राइट साइड है ना। टेक अ डाइपोल सिस्टम है ना। तो द्विध्रुव हमने सिस्टम माना, एक द्विध्रुव सिस्टम माना इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या माना कि एक डाइपोल सिस्टम माना इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल सिस्टम मान लिया है ना, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2L लग रही है। तो बच्चों आपको मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, फोर्स की बातें करते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड लग रही है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर साइड लगेगा या इधर साइड लगेगा। तो उसको निकालने के लिए हमने देखा F बराबर होता है E बाय क्यू, और अगर ये प्लस है तो यानी F भी हमारे पास E बराबर F अपॉन क्यू होता है, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो बल होता है वो कितना होता है बच्चों, E बराबर होता है F अपॉन Q। तो F बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, EQ आ गया। तो F बराबर EQ आता है। अब तो अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर साइड लग रही है और ये पॉजिटिव है, तो यानी कि हमारे पास क्या होता है, जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। यानी हमारे पास जो फोर्स होगा वो इधर ही साइड लग रहा होगा, फोर्स किधर लग रहा होगा, वो इधर ही साइड लग रहा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, EQ के बराबर होगी। लेकिन अगर माइनस क्यू होता है तो उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है तो बल हमेशा इधर साइड लगेगा, और वो हमेशा EQ के बल हमेशा इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे EQ की जगह बस माइनस आता, तो माइनस सिंबल, यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो होता वो माइनस EQ आता। तो माइनस का प्रयोग हमने दिशा के लिए यूज कर दिया, मतलब इधर साइड दिशा दिखाने के लिए यूज कर दिया। जब हम आंसर लिखेंगे तो EQ लिखेंगे। आप लोगों को मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो हमारे पास माइनस सिंबल होता है उसका प्रयोग हम डायरेक्शन के लिए वेक्टर में कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात करते हैं अब डायग्राम से। डायग्राम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है और प्लस क्यू है, तो इस पर जो बच्चों बल लग रहा होगा वो QE बल जो होगा हमारे पास वो उधर साइड लग रहा होगा, और जो ये माइनस क्यू है तो इस पर जो बल लग रहा होगा वो इधर साइड लग रहा होगा। माइनस क्यू ई नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस तो हमने डायरेक्शन के लिए कर लिया। तो आपको यहाँ पे लिखना भी है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग, ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू विल बी प्लस क्यू ई, है ना,
प्लस क्यू में लिखो चाहे ना लिखो, फोर्स इस पर जो लग रहा है, आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए कि एफ ऑन प्लस क्यू, तो प्लस क्यू में लगने वाला जो बल होगा वो क्यू ई होगा, उसकी दिशा इधर साइड होगी, ठीक है। और इसी प्रकार लिख दीजिए कि फोर्स जो हमारे पास, जो बल हमारे पास ऑन माइनस क्यू लग रहा है, तो उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं क्यू ई ही लगेगा, बट दिशा उसकी ऐसे होगी, दिशा को आप ऐसे लिख दिए है ना, ये लिख दिए। इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर पांच लोग इधर साइड से खींच रहे हैं और पांच लोग इधर साइड से खींच रहे हैं, तो उस दौरान जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि एक हमारे पास इस माइनस क्यू में इधर साइड क्यू ई फोर्स लग रहा है और इसमें भी क्यू ई फोर्स लग रहा है, तो इधर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है और इधर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स तो हमारे पास जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो डाइपोल सिस्टम है वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा आगे, ना इधर बढ़ेगा ये, ना ये हमारे पास डाइपोल सिस्टम इधर जाएगा और ना डाइपोल सिस्टम हमारा इधर जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स तो हमारा जीरो है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आपने ये देखा कि कुल जो बल लग रहा है राइट और लेफ्ट साइड वो तो जीरो लग रहा है भैया, तो फिर आप फोर्स कहां से आएगा, तो इस यहीं पर एक फोर्स और लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स यानी बल, युग्म बल, और उस बल, वो जो बल होता है कपल फोर्स होता है उसको टॉर्क बोलते हैं, और वो जनरेट कैसे हो रहा है यहाँ पे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो पहले आप इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना, सोचना। जो हमारे पास एक बल इधर साइड लग रहा है QE, और इस पे हमारे पास इधर लग रहा है प्लस QE, और इस पे हमारे पास QE इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो बल तो हमारे पास QE इधर लग रहा है और QE इधर लग रहा है, तो कैंसिल हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन बच्चों हमारे पास जो एक्शन ऑफ लाइन है, मतलब इस वाले बल और इस वाले बल की जो एक्शन है लाइन, जिस मतलब कि ये वाला जो बल लग रहा है वो इस लाइन में लग रहा है और ये वाला जो बल लग रहा है वो इस लाइन में लग रहा है, तो लाइन रेखाएं उनकी अलग अलग है। आप देखें तो ये वाली जो इस पर जो क्यू ई फोर्स लग रहा है वो ये वाली सेकंड नंबर वाली लाइन में लग रहा है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये वाली फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर वाली लाइन में लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें सेकंड में और इसमें फोर्थ में, तो लाइन जो है एक्शन मतलब बल लगने की जो रेखा है वो क्या है हमारे पास अलग अलग है। तो हमारे पास नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन बल की रेखाएं अलग अलग होने के कारण एक और बल वहां पे उत्पन्न हो जाएगा, एक और फोर्स वहां पे जनरेट हो जाएगा, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और उसी फोर्स को हम कपल फोर्स बोलते हैं, और उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। वो कैसे जनरेट होता है अब मैं आपको दिखाता हूं। आप एक इस चार्ज को पकड़िए, इस चार्ज को पकड़ा मैंने और इस चार्ज को पकड़ा, इस चार्ज पर धक्का इधर साइड लग रहा था तो प्लस क्यू इधर लगने की कोशिश कर रहा है, और इस चार्ज पर प्लस क्यू इधर लगने की कोशिश किया, तो ये ऐसा आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, भले ये राइट और लेफ्ट मूव नहीं करेगा लेकिन ये रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स की वो अलग अलग है। जब कभी भी बल के लगने की रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी रोटेट करने की टेंडेंसी यानी घूमने की टेंडेंसी आ जाती है, यानी हमारे पास इसको पकड़ोगे आप, इसको पकड़ोगे ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे इसकी रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी, आपको देखिए समझ में आएगा, ऐसे इसकी रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी। और जो रोटेट करने की टेंडेंसी आती है वो किसके कारण आती है, एक बल के कारण आती है। तो पहले आप लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग, जो बल लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ चार्जेस इज सेम। हमने ये लिख लिया कि जो सेम लग रहा है, दोनों चार्ज में सेम लग रहा है एंड अपोजिट, सेम लग रहा है और अपोजिट लग रहा है। सो नेट फोर्स जो होगा हमारे पास, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ गया बच्चों, नेट फोर्स कितना आ गया, हमने जैसे कि बात करी कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, बट द लाइन ऑफ द एक्शन, देखिए जितना मैं सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं इतना सिंपल भाषा में आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो आपको यही सिंपल भाषा याद करनी है कि जो फोर्स, क्योंकि देखिए सिंपल भाषा जितना ज्यादा याद करोगे उतना अच्छा है, और फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है भाई कि आप वो क्या बोलते हैं कि बुकी लैंग्वेज लिखो, कोई जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में लिखो कि भैया दोनों तरफ दोनों में बल समान लग रहा था लेकिन अपोजिट लग रहा था, इसीलिए नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। सो रिस्टोरिंग फोर्स विल जनरेट, रिस्टोरिंग
रिस्टोरिंग कपल फोर्स लिख लेना, रिस्टोरिंग कपल फोर्स विल बी, रिस्टोरिंग कपल फोर्स विल बी जनरेटेड कॉल्ड टॉर्क, है ना। तो अब हुआ क्या है यहां पास, हुआ ये यहां पास कि जो फोर्स लग रहा था इन दोनों में वो सेम लग रहा था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, और तो इसलिए हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो अलग होगी। लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के कारण वहां पे क्या होगा, एक रिस्टोरिंग कपल फोर्स जनरेट होगा, वहां पे एक बल, रिस्टोरिंग कपल फोर्स बल युग्म में जनरेट होगा। रिस्टोरिंग को हिंदी से बोलते हैं बहाल बल बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को बहाल बल बोलते हैं। तो रिस्टोरिंग बल युग्म में बल जनरेट होगा, जिसे हम क्या बोल रहे होंगे हिंदी से, हिंदी और इंग्लिश दोनों से हम उसे क्या बोल रहे होंगे, टॉर्क बोल रहे होंगे, है ना। तो टॉर्क तो आप जान गए, टॉर्क क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो देखो डाइपोल सिस्टम में दोनों में सेम चार्ज रखता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसमें नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है, लेकिन उनके लगने की लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो अलग अलग होती है। लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो अलग अलग होने के कारण क्या होता है, वहां पे घूमने की टेंडेंसी आती है, जिसके कारण वहां एक रिस्टोरिंग कपल फोर्स जनरेट होता है, उसी को अपन टॉर्क बोलते हैं। तो बढ़िया से हिंदी से पहले याद कर लिया करो सभी चीजें, फिर उसको इंग्लिश से बनाने की कोशिश करो अपने से, ठीक है ना। अब टॉर्क जान गए, अब टॉर्क का फॉर्मूला चलो जान जाते हैं जल्दी, है ना। जो फॉर्मूला है वो याद करना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे मान यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ना, पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल, मैं बताऊंगा अच्छे से। तो पहले टॉर्क देखो, टॉर्क इक्वल्स टू होता है हमारे पास एफ क्रॉस आर, ये फॉर्मूला ही होता है, याद करो एफ क्रॉस आर। टॉर्क बराबर क्या होता है बोलो, एफ क्रॉस आर। टॉर्क बराबर क्या होता है बोलो, एफ क्रॉस आर। क्रॉस को जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एफ आर साइन थीटा, क्योंकि जब आपको पता है ए डॉट बी जो होता है उसको ए बी कॉस थीटा बोलते हैं, और ए क्रॉस बी जो होता है उसे हम बोलते हैं ए बी साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास क्रॉस की वजह से ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास टॉर्क बराबर फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, क्यू ई लग रहा है, और आर मतलब होता है कि डाइपोल की लेंथ कितनी है हमारे पास, टू एल है, टू एल हो गया और साइन थीटा। अब यहाँ पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट बराबर P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि डाइपोल मूवमेंट यानी हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इंटू टू एल के बराबर होता है। तो क्यू और टू एल की जगह हम P लिख सकते हैं, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा पीई साइन थीटा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ गया, पीई साइन थीटा। टॉर्क जो होता है, टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डंडी खींचे फिर ऐसे, है ना, ऐसे टॉर्क को एक तरह से ऐसे, है ना, टाटा टा आप समझते हो ना उस तरह से आपको। तो टाटा में क्या होता है हमारे पास, टाटा टाटा टमाटर में ऐसे डंडी खींचते फिर ऐसे करते हैं, तो इसमें ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, सी बना देते हैं, एक लाइन खींचे फिर सी बना देते एक तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है। टॉर्क को ही हम बोलते हैं रिस्टोरिंग कपल फोर्स, यही है हमारा कपल फोर्स। अब इस कपल फोर्स, अब जहां जहां बल आता है, ध्यान दो, जहां जहां बल आएगा तो बल के कारण कोई ना कोई क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बच्चों, फोर्स जनरेट होगा, नहीं होगा जनरेट, बताओ बल के कारण क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। तो हमें वर्क निकालना होगा, वर्क निकालना होगा जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के बराबर होता है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो कितना है हमारे पास, टॉर्क के बराबर है। फोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, टॉर्क। यहाँ लिख सकते हो आप वर्क बाय कपल फोर्स, कपल फोर्स के कारण, है ना, कपल फोर्स के कारण जो यहाँ पे बल आ रहा है वो टॉर्क होता है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो अब वर्क निकालने के लिए आप ऐसा सिनेरी समझेंगे, सिनेरी को समझना होगा आपको, तभी आपको याद रहेगा कि हमारे पास पहले जो डाइपोल था वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ऐसे डाइपोल रखा हुआ था, फिर कुछ देर बाद डाइपोल ऐसा हो गया, मतलब वो थीटा डिस्टेंस मूव करके ऐसा हमारे पास डाइपोल मूवमेंट बन गया। ये जो सिनेरी थी ये बाद की सिनेरी है, पहले हमारे पास थीटा था, पहले हमारे पास डाइपोल ऐसे था, या आपको ऐसे मानना हो तो ऐसे मान लो कि पहले ऐसे रखा हुआ था फिर थीटा घूम करके ऐसे हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे मानना हो पहले ऐसे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर साइड इस दिशा में थी, समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस दिशा में थी और जो हमारा सबसे पहले डाइपोल रखा हुआ था वो ऐसे रखा हुआ था, तो हमारे पास जो डाइपोल की डायरेक्शन थी वो इधर ही साइड थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन जो थी वो इधर ही साइड थी, मतलब कि दोनों जने इधर ही साइड थे। तो शुरुआत में जो थीटा था वो कितना था हमारे पास, शुरुआत में जो थीटा था हमारे पास जीरो था, फिर क्या हुआ बाद में जब ऐसा हो गया डाइपोल ऐसा हो गया हमारे पास, तो थीटा कितना बन गया हमारे पास, थीटा बन गया।
अगर आपको वर्क निकालना है तो पहले मान लेते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एस को मान लेते हैं थीटा डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो हम मान लेते हैं छोटा सा थीटा मूव किया तो एफ डी थीटा हो गया, है ना, f dot d, मतलब कि ये d theta हमने मान लिया। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, नेट टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है PE sin theta, और ये d theta से इंटीग्रेट कर दिया इसे। अब इंटीग्रेट करते हैं इसे और अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो लिमिट क्या लगाते हैं, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, यहां पे आता है इनिशियल पोजिशन और यहां पे आता है फाइनल पोजिशन। तो इनिशियली जो बच्चों हमारे पास थीटा बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही साइड थी और डाइपोल भी इधर ही साइड था, हमने देखो बताया आपको कि डाइपोल इधर ही साइड था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास इधर ही साइड है और डाइपोल भी, डाइपोल मूवमेंट भी हमारे पास इधर ही साइड है, तो इनके बीच में जो थीटा बन रहा था इनिशियली वो जीरो बन रहा था, तो इनिशियली जीरो और बाद में जो हमारे पास मूव कर गया, बाद में थीटा एंगल से मूव कर गया तो ये हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो पी तो बाहर आएगा, साइन थीटा का होता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा हो गया जीरो और थीटा लिमिट है हमारे पास, तो अपर लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे, तो सबसे पहले जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पीई कॉस थीटा रहा आएगा, है ना, और फिर माइनस है, फिर माइनस होता है तो माइनस माइनस पीई कॉस जीरो आएगा यहाँ पे, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती थी, हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा प्लस PE, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम PE को कॉमन आउट कर लेते हैं तो PE कॉमन आउट हो जाएगा और ये PE कॉमन होगा तो इसको पहले लिख देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वर्क आ गया। तो किसी भी डाइपोल मूवमेंट के कारण जो वर्क आता है वो हमारे पास कितना आता है, मतलब कि वर्क डन बाय कपल फोर्स, डाइपोल मूवमेंट में जो कपल फोर्स का वर्क आता है वर्क इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपसे वर्क निकालने को भी पेपर में बोला जा सकता है कि वर्क निकालिए, तो टॉर्क तो निकालना सीख ही गए, वर्क निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाली मेथड को थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हो इसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, बार बार करते जाओगे तो धीरे धीरे आसान लगने लगेगा आपको। केवल ये याद रखना कि इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास ऐसी थी तो इनिशियल थीटा जो होगा हमारा जीरो होगा, फिर फाइनल वो ऐसे इधर पहुंच गया तो थीटा आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर दोगे। अब वर्क निकाल लिए, अब पोटेंशियल एनर्जी निकलो, देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बहुत से टीचर अगले चैप्टर में पढ़ाते हैं, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले में, हालांकि पढ़ाना तभी चाहिए, लेकिन कोई इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने वर्क देखा तो वर्क इससे रिलेटेड होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर देख लेंगे तो अगले चैप्टर में आसानी हो जाएगी, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों उसको हम वर्क की तरह ही निकालते हैं, टॉर्क हमारे पास पीई साइन थीटा था और उसी तरह हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, बस वर्क वाले में हमने क्या किया था कि इनिशियल कंडीशन को हमने जीरो डिग्री माना था और फाइनल कंडीशन को हमने थीटा माना था। लेकिन आपको मैं बता दूं पोटेंशियल एनर्जी आप 11वीं क्लास में पढ़े हो शायद, 11वीं क्लास में ये कांसेप्ट सिखाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते समय कि जब कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कहीं किसी भी थीटा किसी भी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वो किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्या करते हैं किसी एक के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, रेफरेंस में निकालते हैं, रेस्पेक्ट में निकालते हैं किसी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर किसको हम रेस्पेक्ट मानते हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों जीरो होती है। तो पहले अगर इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट पीई आ जाएगा, साइन थीटा का हमारे पास कॉस थीटा आएगा, ये माइनस आएगा, अब cos थीटा आ रहा है, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद cos आ रहा है, cos 0 कब होता है, cos 0 हमारे पास होता है पाई बाई 2 पर, कब होता है पाई बाई 2 पर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमें जो डाइपोल, पहले जो हमारा डाइपोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है तो हमारा जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है पहले जो हमारा एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 90 डिग्री बना रहा होगा, बाद में घूम करके हमारे पास क्या पहुंच गया होगा थीटा एंगल, बाद में कितना बना रहा होगा, बाद में कुछ घूम गया होगा तो ये थीटा एंगल यहाँ बना रहा होगा। तो पहले जो कंडीशन हुई हमारे पास, मैंने क्या बोला किसी के रेफरेंस में निकालते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो कॉस थीटा यानी पाई बाई टू यानी 90 डिग्री में हमारे पास जीरो होगी, तो इनिशियल कंडीशन पाई बाई टू और फाइनल कंडीशन तो हमारे पास थीटा ही होगी। क्यों, क्योंकि देख लो एक बार और बनाया था मैं चित्र, यहाँ पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इनके बीच में 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री होगा तो हमारे पास जीरो आएगा, यानी इनिशियल कंडीशन आपको पाई बाई टू देना है। जब आपने वर्क निकाला था इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं थी, यहाँ से पाई बाई टू, तो पहले हम क्या करेंगे इसको माइनस पीई
पहले हम अपर केस में हमारे पास कॉस थीटा है माइनस माइनस पीई कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू मतलब जीरो, तो जीरो हो गया, यहां से हमारे पास आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, तो इसे हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने इस वीडियो में टॉर्क निकालना देखा एफ क्रॉस आर से, फिर हमने देखा कि वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर एफ डॉट एस यानी टॉर्क, और डी थीटा का हमने कर दिया, टॉर्क की वैल्यू रख करके हमने इंटीग्रेट कर दिया। और जब हम वर्क निकाल रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि इनिशियल कंडीशन हमने जीरो डिग्री मान के चला, जीरो डिग्री। फिर जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, किसी के रेफरेंस में निकालना होता है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो रहती है। तो हमने इनिशियल कंडीशन पाई बाय टू लेकर के इंटीग्रेट कर दिया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमसे बने रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लवर्स।